हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन हार मानने के बजाय हमेशा उसको बदलने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके सुझाव द्वारा ही मैं लेकर आया हूं आपके समक्ष। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कंटिन्यू कि वृश्चिक राशि के ऊपर वीडियो लेकर आए, तो आज वृश्चिक राशि के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर कि फिलहाल वर्तमान में तो शनि की ढैया चल रही है आपकी, राइट? फिलहाल अभी वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, लेकिन जब शनि की ढैया उतर जाएगी यानी कि खत्म हो जाएगी, तब आपके जीवन में शनिदेव क्या चेंजेस लेकर आएंगे, यानी कि शनि का जब परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में स्वयं क्या चेंजेस आ जाएंगे, इस पर ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है? कि शनिदेव की ढैया खत्म हो जाने के बाद क्या होने वाला है, राइट? चलिए, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है, मून साइन पे, क्योंकि आपकी जो शनि की साढ़े साती लगती है और ढैया लगती है ना, वो मून साइन बेस पे लगती है, सन साइन पे नहीं, राइट? जिनका मून साइन होगा कर्क, सॉरी वृश्चिक, ठीक है? चलिए अब जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट? अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी होगी, लेकिन शनि के नाम से ना बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग, भ्रांतियाँ हैं, भ्रमित हैं, पता नहीं किसने डरा रखा है। जबकि मैं मानता हूँ कि शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट हैं तो मैलिफिक प्लैनेट, लेकिन एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत प्योरीफाई करते हैं इंसान को, बहुत मैच्योर बना देते हैं। कभी देखना आप लाइफ में, मैं बोल नहीं रहा, देखना आप कि जब भी आपकी शनि की साढ़े साती लगती है या ढैया लगती है, लगने के बाद अपने आप को देखना कि आपके जीवन में चेंजेस कितने आते हैं, पर्सनल लाइफ, आपके मेंटली आप कितने चेंज हो जाते हो, कितने प्योरीफाई हो जाते हो, कितने मैच्योर हो जाते हो आप, कितने समझदार हो जाते हो आप, ये कभी नोटिस करना आप कभी इन चीज़ों को। कहते हैं ना कि जिस तरीके से कुमार एक मिट्टी को निखारते हुए घड़े का रूप बना देता है ना, वैसे ही शनिदेव जब आते हैं ना ढैया और साढ़े साती लेकर, बहुत मैच्योर बना देते हैं इंसान को, ठीक है? बहुत मैच्योर बना देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो ना एक कर्मों के कारक हैं, ठीक है? कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं शनिदेव, ठीक है? न्याय के देवता हैं शनिदेव, ठीक है? चलो फिलहाल अभी हम ये जानते हैं। वृश्चिक राशि है आपकी, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, आठवें नंबर की राशि है आपकी, ठीक है? आठवें नंबर की राशि है आपकी वृश्चिक। अब आपके शनि जो है फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं फिलहाल अभी, और कब तक है शनि यहाँ पे, कब तक है आपकी शनि की ढैया, बता देता हूँ, आपकी शनि की ढैया है मार्च 2025 तक आपकी शनि की ढैया रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है? फिर शनि आपके यहाँ से निकलकर यहाँ जाएंगे, आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे, ठीक है ना? अभी फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस किस चीज़ का होता है कुंडली का, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फोर्थ हाउस होता है हमारे सभी सुख सुविधाओं का, हमारे हैप्पीनेस का होता है, माता का विचार यानी कि मदर का विचार भी फोर्थ हाउस से ही करते हैं, राइट? और फोर्थ हाउस जैसे जो भी लग्जरी चीज़ें हैं, भूमि है, वाहन है, हमारा मकान है, जमीन जायदाद है, ये सब फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। अभी वहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी कुंभ राशि में, ठीक है? अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि फिलहाल जो आपका कर्म जो एग्जॉस्ट हो रहा है, जो आपके कर्म जो है, शनि जहाँ बैठते हैं जिस हाउस में ट्रांजिट में, एक होता है डायनेमिक, जो ये डायनेमिक है जहाँ गोचर कर रहे हैं ब्रह्मांड में, एक होता है स्टेटिक, आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, शनि कौन से भाव में स्थित है, वो स्टेटिक है, वो फिक्स है आपकी कुंडली में, और एक है डायनेमिक जो गोचर कर रहे हैं, ठीक है? तो फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं शनि आपके अभी फिलहाल, तो यानी कि वहाँ पे कर्म आपके एग्जॉस्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि माता पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, या तो आपकी माता थोड़ी सी, आप माता को लेके विचार कर रहे हैं कि माता कहीं कुछ परेशान तो नहीं है, चिंता तो नहीं है स्वास्थ्य को लेकर, उनको लेकर, ठीक है? या फिर माता आपको लेकर थोड़ी चिंता कर रही हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ भूमि वाहन को लेकर कि कोई वाहन लेना है, नहीं ले पा रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, कहीं कुछ वाहन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना? वाहन ले लिया आपने लेकिन उसमें कुछ खराबी ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं। या फिर मकान को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि कुछ, यानी कि फोर्थ हाउस सुख सुविधाओं का, यानी कि सुख सुविधाओं में एक प्रश्न चिन्ह लगना, सुख सुविधाओं में एक प्रश्न चिन्ह लग जाना कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, यानी कि जो मुझे खुशियां मिल रही हैं प्रॉपर उन चीज़ों में उतना सेटिस्फाइड नहीं होना। यानी कि फॉर एग्जांपल कि आप सोच रहे हैं मैं BMW ले लूँ, आपने BMW ले भी लिया
गाड़ी, लेकिन फिर आप सोच रहे हैं कि यार इससे अच्छा मैं कुछ और गाड़ी नहीं ले लेता इतने पैसों में, या मतलब उस चीज़ों में जितना सुख मिलना चाहिए था वहाँ लग गया प्रश्न चिन्ह। ठीक है, अब दूसरा स्टैटिक कि आपकी जन्म कुंडली में, ये तो डायनेमिक की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, अब आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। भाई क्या स्थिति है शनि की, ये तो कुंडली देखकर पता चलेगा। और क्या लिखवा कर आए हो आप, क्या कर्म करके आए हो, कर्म फलदाता शनिदेव हैं क्या, क्या है शनिदेव आपके, नीच के हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कर्मों के फल देने वाले हैं, वो कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, अब शनि आपके यहाँ आ जाएंगे पंचम भाव में, ठीक है, ये आएंगे आपके मार्च 25 में, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे सबसे पहले तो जब पंचम भाव में शनि आएंगे तो संतान पक्ष, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि तो करते हैं, वृद्धि करते हैं उन चीज़ों में, बढ़ाने वो चीज़ों को बढ़ाते हैं जहाँ पे बैठते हैं, उन चीज़ों में आप कार्य करने लग जाते हैं, उन चीज़ों में आप फोकस करने लग जाते हैं, समझे आप। तो शनि आपके पंचम भाव में आएंगे ढैया खत्म होने के बाद, तो आपका जो फोकस होगा पढ़ाई पे होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है भाई, मुझे तो अब पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, मुझे अब हायर एजुकेशन करनी है और मैं करके रहूँगा, मुझे अब किसी कंपटीशन में जाना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है, मैं करके रहूँगा, मुझे संतान, पहले था कि मैं संतान जो है नहीं चाहता हूँ, संतान पक्ष को लेकर जो एग्री नहीं थे, अब मार्च 25 के बाद संतान पक्ष को लेकर वहाँ पे फोकस हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके साथ साथ संतान होने की संभावना भी बहुत अच्छी होती है, शनि आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो दोस्तों संतान होने की संभावनाओं को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। दूसरा ये कि जब शनि आपके पंचम भाव में आएंगे ढैया खत्म हो जाने के बाद, तो जो लव रिलेशन में है शनि आ रहे हैं, जिद्दी बनाएंगे सामने वाले को, स्टबन, आप उन चीज़ों में रहेंगे, आप देखना कि जब शनि पंचम भाव में आएंगे तो आप ज़्यादा मिलेंगे, मिलना ज़्यादा हो जाएगा, बात करना ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन परेशानियाँ भी बढ़ जाएंगी, दिक्कत भी बढ़ जाएगी, सामने वाला थोड़ा जिद्दी भी हो जाएगा, बिल्कुल सामने वाला थोड़ा स्टबन भी हो जाएगा, ऐसा भी देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी कौन है, मंगल है, वृश्चिक राशि है आपकी, और आप हैं ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग करने वाले, ज़्यादा सोचने वाले। ठीक है, जो चीज़ मन में चल रही है उसको नेगेटिव सोचते रहना, ये चीज़ भी है आपके अंदर। लेकिन ये शनि पंचम भाव में आके अब क्या करने वाले हैं, आपको जैसे सुख सुविधाओं में परेशानी हो रही थी, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, माता को लेकर थोड़े चिंतित थे, परेशान थे, उनको दिक्कत थी, वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और अभी बताना मुझे, अभी आप मुझे बताना, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, कि पिछले एक साल के अंदर और अभी तक क्या आपने कोई चीज़ परचेज करी जिसमें लोहा इन्वॉल्व है, लोहा अटैच है, या कोई मशीन लियो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा हो, अगर नहीं लिया तो मार्च 25 से पहले पहले ले सकते हो, जिसमें कोई लोहा वगैरह हो, कोई मशीन चीज़ें हो, कोई मशीन से चलने वाली चीज़ें हो, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी वगैरह हो, कोई बाइक वगैरह हो, गाड़ी वगैरह हो, ली हो आपने एक साल के अंदर अंदर, या फिर अब लोगे एक साल के अंदर, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और पंचम भाव में जैसे शनिदेव आएंगे ना, तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी आपके सेवंथ में, आपके इलेवंथ में, आपके सेकेंड हाउस में। तो एक बात बोलूँ आपसे, सेकंड हाउस में शनि देखेंगे तो दांतों में तकलीफ ना हो ढैया खत्म हो जाने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी वाणी जो है, वाणी से के जरिए काम आएगा। इलेवंथ हाउस को देखेंगे, जो प्लैनेट इलेवंथ हाउस को देखता है तो इनकम थोड़ी बढ़ेगी, परिवर्तित होगी, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे। और जो पंचम भाव से रिलेटेड कारक है, जैसे संतान पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, फैमिली प्लानिंग आपके मैंने बताया अच्छी रहेगी, पढ़ाई को लेकर जो है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आप पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा, जो व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहे थे ना, बच्चे पढ़ाई में नहीं लग रहे थे, अब आप मेहनत करोगे पढ़ाई में, स्टेबल होकर मेहनत करोगे, करते रहोगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और प्रेम प्यार में भी बहुत फोकस्ड हो जाओगे आप, जो सीरियस नहीं थे अब सीरियस हो जाओगे, और जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जिनको बड़ी परेशानी थी कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, वाहन लेना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी में डील करना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, उनके लिए अच्छा हो जाएगा शनि की ढैया खत्म हो जाने के बाद। और एक चीज़ और है कि शनि की ढैया चल रही है अभी फिलहाल, तो चंद्रमा को देख रही है, शनि यहाँ से आपके यहाँ देख रहे हैं दसवीं दृष्टि से, सातवीं दृष्टि यहाँ, दसवीं दृष्टि यहाँ, अभी फिलहाल जब तक ढैया है आपकी, तो यानी कि ओवरथिंकिंग, तनाव, नेगेटिविटी आ जाना, कभी कभी सपने ऐसे आना कि जो पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि कैसे सपने आ रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत आना, नेगेटिव ऊर्जा का आ जाना, ये अभी हो रहा है आपके साथ में, चंद्रमा को शनि देख रहे हैं, टेंशन हो जाना, लेकिन ये ढैया खत्म हो जाने के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए आपको, ये प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, क्या उपाय करने चाहिए, रोजाना सूर्य अस्त हो जाने के बाद चंद्रमा का बीज मंत्र करो, ओम श्राम श्रीम स्रोम छ चंद्रमा से नमः 108 बार,
ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करो और शनि का बीज मंत्र करो अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त होने के बाद। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।